हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा, क्या बताऊं यार, Xiaomi ने लिस्ट निकाल दिया Android Q का, 11 स्मार्टफोन का लिस्ट निकाल चुका है। आप लोगों ने न्यूज पढ़ लिया होगा, बट इसका क्या करें ये MI 1 का क्या करें। कई दिन से हमें भी ऐसा लगता था कि MI 1 में भी Android 10 का अपडेट के लिए अनाउंस हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहते हो कि इसके इसके अंदर Android Q अपडेट आएगा या नहीं आएगा MI 1 में, अभी जो 11 फोन की लिस्ट है। तो दोस्तों मैं वो 11 स्मार्टफोन का नाम बताना नहीं चाहता क्योंकि दर्द होता है यहाँ पे, अगर मैं उन 11 का नाम लेता हूँ तो इसका नाम नहीं लेता हूँ। ये मेरे दिल के करीब है MI 1 फोन, और ये वाला फोन जो दिल के करीब है, अगर ये फोन का नाम मैं नहीं लेता हूँ कि इसके अंदर Android Q में आएगा, तो हो सकता है रात को सपने में आके मुझे हो सकता है ये परेशान करे। इस आर्टिकल के अंदर एक लाइन लिखा हुआ है कि Xiaomi ने ऑलरेडी बता चुका है कि MI 1 को Android Q का अपडेट देगा, लेकिन अभी तो फिलहाल पिक्सल डिवाइस के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि उसका बेटा टेस्टिंग चल रहा है। ऑफिशियल वर्जन जब वो अपडेट आ जाएगा तब आई थिंक इसके अंदर अपडेट आपको देखने को मिल जाए। जो भी Xiaomi MI 1 के यूजर है वो काफी निराश होंगे, आई थिंक दो दिन से वो न्यूज देख रहे होंगे, निराश होंगे। मैं भी कल भी सोच रहा था, यस्टरडे मैंने सोचा था कि इसके ऊपर टॉपिक वीडियो बनाऊं, बट मेरे को नींद आ गया, मैं सो गया था। अब इस टॉपिक लेके बैठा था मैं कि वीडियो बनाऊं तो टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए थोड़ा लेट अपडेट हो रहा है। बट यही बात है कि आप MI 1 के साथ रहना, टाइम आएगा तो अगर उस टाइम प्रॉब्लम क्रिएट हो, यानी कि आप ऐसा टाइम आए जो मोबाइल MI 1 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर टाइम आता है। बट उम्मीद तो है, मेरा 99% उम्मीद है इसके अंदर Android Q अपडेट आएगा। अगर नहीं आता है तो आपको सबसे बेस्ट वो है फोन का बूट लोडर अनलॉक करके आप पिक्सल, जो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम होता है, उस टाइम Android 10 में भी आ चुका होगा, आप उसी को इंस्टॉल करके लाइफ टाइम यूज करना, उसमें मंथ वाइज भी अपडेट आते रहते हैं और आप करते रहना और चलते रहना। बस यही था आज का एक रोना पिटना, यानी रोना धोना यही था। हाँ, मिलेंगे नए भी सर, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर देना अगर अभी तक ये सब आपने नहीं किए। वीडियो देख लिए, छोटा सा एक काम कर लीजिए, और आने वाले टाइम में आपको जरूरत नहीं पड़ेगा आशीष नाई को ढूंढना, तो आपके यूट्यूब के स्क्रीन पर ऑटोमेटिक हमारा जो नया वीडियो अपलोड हुआ होगा आपको दिखेगा। मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अनबंदे मातरम।